हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आज मैं आपके लिए एक ऐसी रेसिपी लेकर आई हूँ जो कि बच्चों को भी और बड़ों को भी बहुत पसंद आती है। आज हम बनाएंगे फ्रेंच फ्राई की रेसिपी। चलिए हम रेसिपी शुरू करते हैं। इसके लिए देखिए, मैंने ये चार आलू ले लिए हैं, इसका छिलका हटा लिया। और अब देखिए, हम इसका छिलका हटा कर इसकी साइड्स कट करेंगे। देखिए इस तरह से आप इसकी थोड़ी थोड़ी सी साइड्स कट कर लीजिए। अब बीच में से हम इसमें कट लगाएंगे। देखिए इस तरह से इसको हम कट कर लेंगे। और अब हम इसको इस तरह से लंबा लंबा कट करेंगे। ये देखिए, हम फ्रेंच फ्राई बना रहे हैं तो इसलिए हम इसे उसी शेप में कट करेंगे जैसे मार्केट में मिलते हैं। ये देखिए, हम इस तरह से इसको कट कर लेंगे। ये मैंने सभी कट कर लिए हैं। देखिए इस तरह से कट कर लीजिए। मैंने इसको पतला पतला कट किया है, मैं ज़्यादा मोटा नहीं रखा है इसे। अब देखिए, हम इसे किसी बर्तन में निकाल लेंगे। ये मैंने इसे बर्तन में निकाल लिया है और मैं इसमें पानी डाल दूँगी। इसको हम वॉश कर लेंगे पहले, उसके बाद हम इसे पानी डाल के थोड़ा सा इसमें हम नमक मिला देंगे और इसको ढककर 15 मिनट के लिए रख देंगे। ये देखिए, 15 मिनट बाद हम इसका पानी निकाल देंगे। और अब हम कढ़ाई में पानी बॉईल होने के लिए रखेंगे। देखिए पानी बॉईल हो जाए तो आप इसमें ये आलू डाल दीजिए। इसको हमें ज़्यादा नहीं पकाना है, इसको हमें 3 से 4 मिनट ही पकाना है सिर्फ। ज़्यादा मत पकाइएगा इसको, 3 मिनट तक आप इसे पका लीजिए। पकाने के बाद हम इसे इस स्ट्रेनर से निकाल लेंगे और इसका पानी निकाल देंगे सारा। अब देखिए, इसे निकालने के बाद हम इसे खुला रख देंगे जिससे कि ये सूख जाए, नहीं तो फिर हम देखिए इसे हवा में रख दीजिए आप या तो इसे, या फिर हम इसे देखिए इस तरह से कपड़े से आप इसे पोंछ लीजिए। और उसके बाद देखिए, हम ऑयल गरम करके इसको फ्राई करेंगे। और इसको अभी हमें हल्का ही फ्राई करना है। इसको हम 2 राउंड में फ्राई करेंगे। ये देखिए, एक बार हम इसे निकाल लेंगे। देखिए ये हल्का हल्का फ्राई हो गया है और इसे अब हम निकाल लेंगे। अब देखिए, हल्का सा ठंडा हो गया तो मैंने इसे दोबारा से फ्राई किया है। इससे ये होता है कि ये अच्छे से क्रिस्पी हो जाते हैं और ये मार्केट जैसे बनते हैं फिर बिल्कुल। अब ये देखिए, इसका कलर चेंज हो गया है और ये अच्छे से फ्राई भी हो गए हैं। तो अब हम इसे निकाल लेंगे। आप इसे इस स्ट्रेनर में निकाल लीजिए और इसका ऑयल बिल्कुल रिलीज़ कर दीजिए इसमें से। इसके बाद हम इसे एक बाउल में निकालेंगे। हल्का सा आप इसमें नमक डाल दीजिए। नमक हमने पहले भी ऐड किया था तो इसमें नमक कम ही डालिएगा। इसके बाद हम इसमें चिली फ्लेक्स डाल देंगे। आप चाहें तो इसमें ऑरिगैनो भी डाल सकते हैं। चाट मसाला डाल दीजिए। अगर आप ये बच्चों के लिए बना रहे हैं तो आप इसे सिर्फ नमक डालकर बच्चों को दे सकते हैं। देखिए इसे मिला देंगे अब हम। अब ये रेडी है हमारे फ्रेंच फ्राई की रेसिपी। आप इसे मेयोनीज टमाटो केचप के साथ सर्व कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले, जिससे कि मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। रेडी है हमारी क्रिस्पी फ्रेंच फ्राई।